प्राकृतिक आपदाओं के चलते भेड़ पालकों को पहुंच रहे नुकसान की अधिक से अधिक भरपाई करने को लेकर रिलीफ मैनुअल में कुछ बदलाव लाने के संकेत स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने दिए हैं। इस बार प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से अनेक भेड़ पालक प्रभावित हुए हैं। विपिन परमार ने कहा कि बड़ा बंगाल व कड़ी में भेड़ बकरियां मृत पाई गई हैं और भेड़ पालकों को काफी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने रिपोर्ट बनाई है और प्रभावितों को माकूल धनराशि रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रदान की जाएगी। परमार ने कहा कि कई भेड़ पालकों की काफी अधिक संख्या में भेड़ों की मौत हुई है, उनको अधिक से अधिक राहत मिले इसके लिए रिलीफ मैनुअल में बदलाव को लेकर सीएम के समक्ष पक्ष रखा जाएगा। भेजा गया क्या और पग उठाए जाएंगे तब ताकि सभी सुरक्षित वापस आ सके? पिछले लगभग हफ्ता 10 दिन पहले जो भारी बरसात हुई उसमें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, कांगड़ा, चंबा व अन्य जिलों में भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। और जो प्रश्न आपने किया है कि भेड़ पालकों की भेड़ें बड़ा बंगाल में फंसी हुई है, लोग वहां पर फंसे हुए हैं और इसके अलावा भी यहां जिला कांगड़ा कंडी के इलाके में भी जो वहां लैंडस्लाइड हुआ उसके कारण लगभग 500 से अधिक जो है भेड़ बकरियां मृत पाई गई या उस लैंडस्लाइड के कारण भारी नुकसान वहां पर हुआ है। प्रशासन इस तरफ बिल्कुल सजग है, उन्होंने मौके पर जाकर के रिपोर्ट बनाई है और मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं भेड़ पालकों को, जो जिस तरीके से कठिन जिंदगी व्यतीत करते हैं या जिंदगी व्यतीत करने पर वही उनके जीवन का जीवन यातन एक साधन है, उनको माकूल धनराशि रेवेन्यू एक्ट के अनुसार उपलब्ध करवाई जाएगी। ये मैं हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से उन तमाम भेड़ पालकों को आश्वस्त करना चाहता हूं। जहां तक बड़ा बंगाल का विषय है, बहुत दूर दराज का क्षेत्र है, हेलीकॉप्टर भी वहां पर भेजा, इत्यादि कोशिशें हो रही है ताकि ऐसे लोगों को हम हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से सुविधा उपलब्ध करवा सकें, ये मैं बताना चाहता हूं। 30 भेड़ों तक ही क्षतिपूर्ति दी जाती है, सरकार इसको लेकर क्या करेगी? इस सरकार के पास मैं व्यक्तिगत भेड़ पालकों के इस मामले को लेकर के जाऊंगा और जितनी अधिक से अधिक उनको राहत दी जाए ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं और मुख्यमंत्री जी से हम अनुमति मिलने के बाद अधिकतर सहयोग राशि हम उनको दिलवाएंगे। जहां जान माल का नुकसान है वहां पर कोई राइडर नहीं। तो रिलीफ मैनुअल में बदलाव किया जा सकता है? ये मैं माननीय मुख्यमंत्री और सरकार के समक्ष इस बात को रखूंगा।